टुडेज रूल अगेन वी आर हैविंग अ कंपैरेटिव स्टडी. देर आर थ्री रूल्स ना. तीन नियम कौन से हैं? बिगिन, बिगेन और हैज योर बिगन. कंपैरेटिव स्टडी जो हमने स्टार्ट की है वो इस कारण है कि हम देखें कि रूल्स बनते कैसे हैं, है ना. क्योंकि हर चीज का एक बेस क्लियर होना चाहिए. तब इसका बेस समझो, बिगिन का वैसे मतलब क्या होता है? शुरू करना स्टार्ट. तो अगर मैं बोलूँ बस सोचने लगा या उसने सोचना शुरू किया, बात तो एक ही है ना. तब वह सोचने लगता है या तब वह सोचना शुरू करता है, बात एक ही है ना. तो एक्चुअली ये कोई टेंस नहीं है, कोई मॉडल वर्ब भी नहीं है. बिगिन तो एक वर्ब है. अब वर्ब है तो उसकी देखो फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस, सेकेंड फॉर्म या हैज के साथ थर्ड फॉर्म ये लग रही है ना. तो अपने को टेंस से रिलेटेड ही है, कोई अलग रूल नहीं है. तो देखो रूल कैसे बने. ये बिगिन या बिगिंस कोई काम करने लगता है. ता है मतलब प्रेजेंट सिंपल होता है, तो प्रेजेंट सिंपल का ही रूल लग रहा है इसमें कि आई वी यू दे प्लूरल में फर्स्ट फॉर्म होती है और ही शी सिंगुलर में क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म में एस होता है. तो देखो भाई आई वी यू दे प्लूरल में बिगिन टू लगाना है और ही शी सिंगुलर में क्या लगाना है? बिगिंस टू. ठीक है. तो तब वह सोचने लगता है, तब मतलब हो गया देन. वह सोचने लगता है मतलब ही बिगिंस टू थिंक. अगर कहें तब हम पूछने लगते हैं, तब मतलब देन हम पूछने लगते हैं, तो हम मतलब क्या हो गया? वी. तो वी के साथ एस नहीं लगाना, वी के साथ बिगिन हो जाएगा, है ना. देन वी बिगिन टू आस्क. ठीक है. अब देखो वह सोचने लगा. अब ध्यान से देखो पास्ट टेंस है. गागे की तो विल मत लगा देना, वह सोचेगा ऐसा हो जाएगा वो फ्यूचर को. वह सोचने लगा मतलब पहले, मतलब उसने सोचना शुरू किया, इसका मतलब ये हुआ, है ना. तो बिगिन की सेकेंड फॉर्म होती है बिगेन. ठीक है. तो देन ही बिगेन टू थिंक हो गया. अब वह समझने लगा है. लगा है मतलब क्या है? जब भी पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस देखना हो तो है का फर्क होता है. जैसे मैंने सोचा तो पास्ट हो गया आई थॉट. मैंने सोचा है लगा देता तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता ना, आई हो थॉट. तो इसमें भी है का फर्क है. तो इनमें डिफरेंस क्या हो गया कि ये पास्ट सिंपल है और ये प्रेजेंट परफेक्ट है. प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज़ योर थर्ड फॉर्म होती है. तो देखो हैज़ योर प्लस थर्ड फॉर्म, ये बिगन थर्ड फॉर्म है. मैं आपको ये बता रहा हूँ रूल बना कैसे. ठीक. तो अब वह समझने लगा है तो क्या हो गया? नाउ वह मतलब क्या हो गया? ही के साथ क्या हो गया? हैज बिगन टू अंडरस्टैंड. तो देखो बिगिन, बिगेन और बिगन तीन रूल है. बोलने में भी फर्क है. ठीक. बोलो मुझे शक होने लगा. आई बिगेन टू डाउट. आई बिगेन टू डाउट या सस्पेक्ट. सस्पेक्ट. आई बिगेन टू सस्पेक्ट. अब मुझे शक होने लगा है. मेहनत करने लगा. वर्क हार्ड. हार्ड वर्क में तो डू लगना पड़ेगा क्योंकि हार्ड वर्क वर्ब नहीं है. डू हार्ड वर्क या ही बिगेन टू वर्क हार्ड. अब वह मेहनत करने लगा है. वे उसे पसंद करने लगे. अब वे उसे पसंद करने लगे हैं. उसका जी घबराने लगा. फील नोशिया. उसे चक्कर आने लगे. विस्की के दूसरे गिलास के बाद उसे चक्कर आने लगे. After the second glass of whiskey, after the second shot, आजकल शॉट भी यूज करते हैं. Shot of whiskey. He began to feel dizzy. आप मुझे अच्छे लगने लगे. आप मुझे अच्छे लगने लगा. मैं आपको पसंद करने लगा. I begin to like you. उसे पसीना आने लगा.
He began to sweat. He began to sweat. उसे उल्टियाँ होने लगी. He began to vomit. First one. He began to vomit. जब मैं उससे पूछता हूँ, तो वह मुस्कुराने लगता है. When I ask him, he begins to smile. When I ask him, he begins to smile. अब हम जड़ी बूटियों का महत्व समझने लगे हैं. Now we have to understand the importance of herbs. Herbs. Now we have begun to understand the importance of herbs. अब अंग्रेजी में रुचि लेने लगी है. Now she has begun to take interest in English. Now she has begun to take interest in English. वह नास्तिक हुआ करता था, पर अब वह भगवान में विश्वास करने लगा है. हुआ करता था. He used to be an atheist. अब वह भगवान में विश्वास करने लगा है. Now he has begun to believe in God. Clear okay?